हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है पेनक्रियास। जो एंडोक्राइनल ग्लैंड की सीरीज है उसमें हम पेनक्रियास को आज पढ़ेंगे। पेनक्रियास एक्चुअली एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड दोनों की तरह एक्ट करता है, लेकिन जो पार्ट इसका एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह एक्ट करता है मींस जो भी सिक्रीशन होते हैं वो डायरेक्टली ब्लड में रिलीज करता है, दैट इज कॉल्ड आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। पेनक्रियास में 1 to 2 million जो होते हैं वो आइलेट ऑफ लैंगरहैंस होते हैं, और इसमें 4 तरीके की सेल्स होती हैं। ए सेल या जिनको हम अल्फा सेल्स भी बोलते हैं, बी सेल या फिर बीटा सेल्स, डी सेल या फिर डेल्टा सेल, एफ सेल या फिर जिनको हम पीपी सेल्स भी बोलते हैं। तो इन सेल से क्या क्या स्क्रीट होता है वो हम देखते हैं। जो अल्फा सेल्स हैं उनसे स्क्रीट होता है ग्लूकागॉन, फिर है बीटा सेल, बीटा सेल से स्क्रीट होता है इंसुलिन, डी सेल से स्क्रीट होता है सोमेटोस्टेटिन, और एफ सेल से स्क्रीट होता है पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। तो ये क्वेश्चन एक्चुअली पहले आ चुका है कि राइट अबाउट द हॉर्मोन्स ऑफ पेनक्रियास। तो ऐसा अगर 2 marks के लिए आए तो आपको जस्ट ये इंट्रोडक्शन देना है कि एंडोक्राइनल पोर्शन ये है, ये सेल्स हैं और इनसे ये स्क्रीट होता है, और आप इनके एक एक दो दो वर्क के बारे में, एक्शन के बारे में लिख सकते हो। डिटेल में आए तो डिटेल में उनका क्या रोल होगा, कैसे करेंगे, वो सब भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। और शॉर्ट क्वेश्चन जो होते हैं 1 marks के लिए वो भी आ सकते हैं कि सोमेटोस्टेटिन कौन सी सेल से रिलीज होता है, पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड कहाँ से, इंसुलिन कौन सी सेल से, और ग्लूकागॉन कौन सी सेल से। अब हम सबसे पहले बात करते हैं इसमें इंसुलिन के बारे में, एक एक करके पढ़ेंगे इनको। तो इंसुलिन हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं। एक्चुअली जो इसकी ए सेल्स यानी अल्फा सेल और बीटा सेल है, मतलब उनसे स्क्रीट हो रहा है ग्लूकागॉन और इंसुलिन। इन दोनों का काम कैसा है, जैसा हमने प्रीवियस वीडियो में जो पैराथायराइड ग्लैंड की जिसमें पढ़ा था कि पैराथॉर्मोन और कैल्सिटोनिन जो होते हैं वो मिलके क्या करते हैं, जो कैल्शियम लेवल है ब्लड में उसको मेंटेन करते हैं। ऐसा ही जो रिलेशन होता है यहाँ पे पेनक्रियाज में किसके बीच है, इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन के बीच। तो हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं यहाँ पे इंसुलिन के बारे में। इंसुलिन जो होता है वो 2 chains से मिलके बना होता है, मतलब उसमें जो होती है अल्फा चेन होती है और एक बीटा चेन होती है। अल्फा चेन में 21 amino acids होते हैं और बीटा चेन में 30 amino acids। तो इंसुलिन की फॉर्मेशन कैसे होती है, तो सबसे पहले होता है प्री प्रो इंसुलिन दैट इज कन्वर्टेड इनटू प्रो इंसुलिन, और प्रो इंसुलिन से क्या होगा, इंसुलिन बनेगा, और एक बाय प्रोडक्ट जो है वो क्या निकलता है, सी पेप्टाइड। ये आपको एक ऐसे ही पता होना चाहिए शॉर्ट में। क्यों ऐसा, क्योंकि जब हम इसकी एबनॉर्मेलिटीज के बारे में पढ़ेंगे, मतलब डायबिटीज के बारे में पढ़ेंगे, तो उन 2 तरीके का है, type 1 और type 2, तो हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे इस प्रोसेस को जानने के बाद, तो वो हम वहां पे देखेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं इंसुलिन के एक्शंस की। तो इसका मेन काम क्या बताया हमने, जो ग्लूकोज लेवल है उसको मेंटेन करना है ना। तो पहला काम इसका आपको क्या याद रखना है कि इट रेगुलेट द कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, जो कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म हो रहा है उसको रेगुलेट करने का काम करता है। दूसरा, जो ग्लूकोज है उसका यूज करवाता है ये, मतलब ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने का काम करता है ब्लड में। वो कैसे, जैसे ये एक टिश्यू है जिसको अपनी एक्टिविटी के लिए हर इसको एनर्जी चाहिए, इसको कुछ तो खाना चाहिए ना, तो ये क्या करता है, ब्लड में हमारे जितना भी ग्लूकोज रहे जब तक इंसुलिन नहीं होगा ये टिश्यू इसको यूज नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो हमारी बॉडी को क्या लगेगा कि हमारे टिश्यू को कुछ मिल ही नहीं रहा ऐसा वाला। तो ये क्या करेगा, जो इंसुलिन है यहाँ पे हमारे पास जो ग्लूकोज है वो टिश्यू में यूज करवाने का काम करता है। तो ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करके लेवल में लाता है, ये कम करने का काम करता है। और तीसरा इसका काम है प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में मतलब प्रोटीन का क्या, ये ग्लूकोनियोजेनेसिस नहीं होने देता। वो क्या होता है, प्रोटीन से ग्लूकोज का फॉर्मेशन होना ये नहीं होने देता, इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस।
तो ये ग्लूकोनियोजेनेसिस नहीं होने देता है, ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करके रखता है, कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को हेल्प करता है। अब हम बात करते हैं फैट की, तो फैट के साथ क्या करता है ये, इट स्टिमुलेट द सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ द फैट, फैट स्टोर हो और बने ऐसा काम करता है इंसुलिन। देन ग्रोथ में क्या होता है, ग्रोथ को भी प्रमोट करता है बॉडी की। तो इससे पहले वाली वीडियोस जो है हमारी, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड में पढ़ा हमने कि ग्रोथ हार्मोन ग्रोथ करवा रहा है, फिर थायराइड आया तो हमने बताया कि T3 T4 जो है वो भी ग्रोथ में हेल्प कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम पेनक्रियास पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे हमने देखा कि इंसुलिन भी ग्रोथ में हेल्प कर रहा है। ठीक है, तो ये आपको तीनों फैक्टर याद रखने हैं ग्रोथ के लिए। तो अगर किसी की ग्रोथ कम है तो इन तीनों को सस्पेक्ट किया जा सकता है। ऐसा एक्चुअली देखा गया है कि एनिमल्स में स्टडी करने के बाद कि उनमें ग्रोथ हार्मोन का लेवल ठीक था लेकिन अगर इंसुलिन नहीं है तो उनकी ग्रोथ नहीं हो पाई। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, इसके साथ इनकी क्या है, फ्रेंड नहीं है, मतलब कोई भी काम ये इसको लगेंगे 5 दिन करने में, ये इनके फ्रेंड इनके साथ मिलके क्या करा रहेंगे कि वो जल्दी काम करा देंगे। तो ग्रोथ हार्मोन के ये क्या है, साथ काम करने वाले हैं, तो ये अच्छे से एफिशिएंटली वर्क नहीं कर पाएगा जब ये दोनों नहीं होंगे। ठीक है, तो इसके एक्शन आपको इंसुलिन के क्या याद रखने हैं, रेगुलेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करना, ग्लूकोनियोजेनेसिस को प्रिवेंट करना, इट स्टिम्युलेट द सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ फैट एंड प्रमोट्स द ग्रोथ ऑफ द बॉडी। आपको इंसुलिन के याद हुए, जस्ट अपोजिट है इसके ग्लूकागॉन के। ठीक है, जो ए सेल्स मतलब अल्फा सेल से स्क्रीट हो रहा है ग्लूकागॉन, उसके इससे ऑपोजिट है सभी एक्शन। अब ग्लूकागॉन क्या कर रहा है, ए सेल या अल्फा सेल से स्क्रीट हो रहा है और इट इज एंटागोनिस्ट टू इंसुलिन। एंटा मीन्स ऑपोजिट है किसका, इंसुलिन का। इंसुलिन क्या करवा रहा था, शुगर लेवल को कम करवा रहा है ब्लड में, मतलब टिश्यू यूटिलाइज कर लें ग्लूकोज को, ऐसा काम कर रहा था। ये क्या करता है, इट इंक्रीजेस द शुगर लेवल, मतलब ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाता है ग्लूकागॉन। और क्या करता है, इट इंक्रीजेस द यूटिलाइजेशन ऑफ एमिनो एसिड। मतलब क्या, इंसुलिन क्या कर रहा था कि इनकी यूटिलाइजेशन नहीं होने दे रहा था, प्रोटीन से ग्लूकोज कन्वर्जन नहीं होने दे रहा था। अब ग्लूकागॉन क्या करेगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस को प्रमोट करता है कि प्रोटीन से भी ग्लूकोज बने हमारी बॉडी में। और तीसरा काम क्या करता है, ये लिपोलाइटिक एक्टिविटी इसकी, लिपोलाइटिक एंड कीटोजेनिक एक्शन। ये फैट को स्टोर करवा रहा था और बना रहा था, ये फैट को तोड़ रहा है, लिपोलाइटिक एक्टिविटी और कीटोजेनिक एक्टिविटी। तो ये कार्बोहाइड्रेट में ऐसा कर रहा है, प्रोटीन में ऐसा कर रहा है और फैट के साथ ऐसा कर रहा है, जस्ट ऑपोजिट टू इंसुलिन। नेक्स्ट जो थर्ड सेक्रीशन है हमारी, जो डी सेल से प्रोड्यूस होता है या फिर डेल्टा सेल जिसको हम बोलते हैं, वो है सोमैटोस्टैटिन। जैसा हमने ये पहले भी शायद वीडियो में बताया है, सोमैटो वर्ड जो हमारा है ग्रोथ के लिए आया ना, स्टैटिन मतलब रोक देने वाला, इनहिबिटिंग है, तो ये ग्रोथ को इनहिबिट करता है, ये आपको याद रखना है। तो सोमैटोस्टैटिन जो है ये दो जगह से स्क्रीट होता है, एक तो पेनक्रियास जो हम पढ़ रहे हैं और दूसरा हाइपोथैलेमस से भी। इससे पहले जो हमने पिट्यूटरी ग्लैंड वाली वीडियो पढ़ी है उसमें हमने बताया है कि जब ये हाइपोथैलेमस से स्क्रीट हो रहा है, वहां हमने किस नाम से पढ़ा था, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन, उसी को बोलते हैं सोमैटोस्टैटिन। इसका क्या एक्शन है, नाम से ही पता चल रहा है, मतलब ये क्या है, ग्रोथ को प्रिवेंट करता है, तो इट इनहिबिट रोकने वाला काम करता है, स्टैटिन वर्ड है, रोक रहा है सब चीजों को। तो ग्रोथ हार्मोन को रोकेगा, TSH को रोकेगा, फिर उसके अलावा ग्लूकागॉन को भी रोकेगा और इंसुलिन को भी रोकेगा। ठीक है, जब बॉडी में जिस चीज की जैसे नीड है उसके अकॉर्डिंग ही एक्ट करता है। ग्लूकोज लेवल जब ये नॉर्मल लेवल पे मेंटेन कर रहे हैं तो उसको ठीक करेगा, जब ये एक्सेसिव कोई काम करेंगे तो ये भी इनको कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो ग्लूकागॉन और इंसुलिन दोनों को इनहिबिट करता है, दोनों के सेक्रेशन को, ग्रोथ हार्मोन को इनहिबिट करता है, थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन को इनहिबिट करता है, इट रिड्यूसेस द सेक्रेशन ऑफ GI हार्मोन्स,
जीआई जो हॉर्मोन्स है उनको भी कम करता है उनके लेवल को, और जो स्टमक है, ड्यूओडेनम है, गॉल ब्लैडर है, उनकी मोर्टिलिटी को भी कम करता है। ठीक है, सब कुछ कम कर रहा है, ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट है हमारा पेनक्रिएटिक पॉलीपेप्टाइड, जो पीपी सेल्स या फिर एफ सेल्स से सिक्रेट हो रहा है। इसका एक्चुअल जो फंक्शन है वो इतना ज्यादा नोन नहीं है, लेकिन फिर भी ये ऐसा देखा गया कि पीपी जो हार्मोन है पेनक्रिएटिक पॉलीपेप्टाइड, ये ग्लूकागॉन के लेवल को बढ़ा देता है, ग्लूकागॉन के सहायक वाला काम करता है ग्लूकागॉन के लिए, मतलब ए सेल को स्टिमुलेट करता है ताकि वो ग्लूकागॉन का सेक्रेशन बढ़ा दे। नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं, ये हमने बात की इनके सेक्रेशंस की कि पेनक्रियास जो है उसके क्या क्या सेक्रेशंस हैं। फिर हम बात करते हैं इसकी अप्लाइड फिजियोलॉजी की। इसमें हमारी मेन जो एक डिजीज है वो है डायबिटीज। डायबिटीज मेलिटस, ये है हाइपो एक्टिविटी की वजह से, मतलब हाइपो एक्टिविटी भी किसकी, इंसुलिन की। इंसुलिन क्या करा रहा था, ग्लूकोज का यूज करा रहा था। सपोज ये ब्लड है, ब्लड में यहाँ पे हमारे पास बहुत ग्लूकोज भरा हुआ है, ठीक है, ये टिश्यू है, ये इंसुलिन क्या करता था, इसको यहां से उठा के यहां यूज करवा रहा था। अब ये इंसुलिन है नहीं, बिल्कुल ही नहीं है, या फिर बहुत कम अमाउंट में है, तो ये वाली जो प्रोसेस है ये भी कम हो जाएगी, ठीक है। ये जो कंडीशन है, मतलब अब ग्लूकोज क्या रहा, ब्लड में ही ज्यादा हो गया, तो इसको हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन, ऐसी कंडीशन मतलब जिसमें हाइपरग्लाइसीमिया हो, यानी ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ा रहे ड्यू टू टोटल या एब्सोल्यूट डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन, और या फिर इंसुलिन के हाइपोसिक्रेशन की वजह से, तो उसको हम बोलते हैं डायबिटीज मेलिटस। इसके टू टाइप्स होते हैं, बेसिकली टू टाइप है, टाइप वन और टाइप टू। अभी तो बहुत सारे हैं, जैसे हम इसके भी आगे जो टाइप में है, या फिर जेस्टेशनल डायबिटीज भी बोलते हैं, पर मेन आपको ये टाइप वन और टाइप टू तो याद होना ही चाहिए। टाइप वन क्या होता है, इसमें बिल्कुल एब्सोल्यूट डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन ड्यू टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ बीटा सेल, मतलब बाय बर्थ ही बच्चे में क्या होगा, जो बीटा सेल्स थी पेनक्रियास की वो डिस्ट्रक्ट हो जाएंगी। हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम क्या करेगा, इन्हीं को डिस्ट्रक्ट कर देगा। बीटा सेल ही नहीं है तो इंसुलिन प्रोडक्शन भी नहीं हो पाएगा, इंसुलिन स्क्रीट करने वाला ही कोई नहीं है, इंसुलिन कोई नहीं बना रहा है तो ग्लूकोज ब्लड में कितना ही होता रहेगा, इसको टिश्यू यूज ही नहीं कर पाएंगे। तो ये होता है हमारा टाइप वन डायबिटीज मेलिटस, विच इज अकर्स ड्यू टू द एब्सोल्यूट डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ बीटा सेल्स। टाइप टू में क्या होगा, हमारी बॉडीज के प्रति रेजिस्ट हो जाती है, या तो ये थोड़ा रिलेटिव डेफिशिएंसी होती है या फिर बॉडीज के प्रति रेजिस्टेंस दिखाती है, मतलब इंसुलिन तो है बॉडी में लेकिन अब बॉडी को वो किसी भी तरीके से काम नहीं करवा सकता, बॉडी से रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है। तो अल्टीमेटली जब बॉडी को यही नहीं पता चल रहा कि ये इंसुलिन कोई काम करने वाला, लेकिन बॉडी को इसके होने ना होने से फर्क ही नहीं पड़ रहा, तो ग्लूकोज का लेवल फिर से वैसा ही है कि ब्लड में ज्यादा ही होता रहेगा, वो टाइप टू डायबिटीज है। और ये टाइप वन के जो फॉर्म है मोडी, इसका क्या फुल फॉर्म है, मोडी और लाडा, एल फॉर लेटेंट ऑटो इम्यून डायबिटीज इन एडल्ट। हम क्या बोलते हैं, मोस्टली जो टाइप वन होगा वो लेस देन 40 इयर्स, और ये मोर देन 40 इयर्स, ऐसा याद करते हैं। पहले ऐसा हमें यह था कि अगर 40 साल से कम का पेशेंट आए, वो एज भी थोड़ा अलग अलग बुक्स में अलग अलग लिखा होगा, किसी में 30 होगा, तो नॉर्मली जो 40 की एज में अगर हमारे पास पेशेंट आया 40 से कम, तो हम उसको क्या डायग्नोज करते हैं कि टाइप वन, जब तक हमने कोई लैब इन्वेस्टिगेशन या ऐसे करके कन्फर्म नहीं किया एज के बेसिस पे। लेकिन हमें क्या देखने को मिला, लेटेंट ऑटो इम्यून डायबिटीज इन एडल्ट। कुछ एडल्ट ऐसे भी आए, मतलब जैसे सपोज उनकी 40 ईयर ई एज है या फिर 41 है, ठीक है 41 है, यानी अकॉर्डिंग टू हमारी एज क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग टू वो टाइप टू का होना चाहिए था, लेकिन हमने देखा कि उसमें ऑटो इम्यून तरीके से, यानी आपकी खुद की ही बॉडी ने, के इम्यून सिस्टम ने क्या किया, बीटा सेल को डिस्ट्रक्ट कर दिया, तो वो इसके नहीं है,
वो इसका टाइप है टाइप वन का, तो लेटेंट ऑटो इम्यून डायबिटीज ऑफ एडल्ट्स, ये एडल्ट्स में होता है लेकिन है टाइप वन ही। फिर है ये मोडी, मतलब मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज इन यंग इंडिविजुअल्स। ये आपको इतना सारा इन सब के बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको टाइप वन और टाइप टू में डिफरेंस पता होना चाहिए। ये 40 ईयर से कम, ये 40 ईयर से ज्यादा वालों को, इसमें इंसुलिन के प्रति रेजिस्टेंस डेवलप होता है और इसमें बॉडी का क्या होगा, इंसुलिन प्रेजेंट ही नहीं है क्योंकि बीटा सेल ऑलरेडी डिस्ट्रक्ट हो चुकी है, ठीक है। और इनको क्या है, इनको इंसुलिन की जरूरत होती है, इनकी बॉडी में रेजिस्टेंस डेवलप नहीं हुआ, इनकी बॉडी को कभी इंसुलिन मिला ही नहीं है, तो इनको ट्रीटमेंट के तौर पे हमें इंसुलिन देना पड़ता है बाहर से, तो इनकी बॉडी काम करेगी। इनको हम इंसुलिन देंगे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी बॉडी बना रही है, लेकिन बॉडी को रेजिस्टेंस हो गया, उसको पता ही नहीं इंसुलिन क्या करना है, क्या करवाना है उसे, तो ऐसे पेशेंट को हमें दूसरी ड्रग्स देनी पड़ेंगी जो इसके ग्लूकोज लेवल को कम करेंगी और तरीके से, लेकिन इंसुलिन नहीं चलता इन लोगों में। कभी कभी जब ब्लड शुगर लेवल बहुत ज्यादा होता है तो देने की जरूरत पड़ती है, लेकिन आइडियली देखा जाए तो इसका ट्रीटमेंट टाइप वन का इंसुलिन, और टाइप टू के लिए हम ओरल जो हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग है वो यूज करते हैं। फिर इसके लक्षण हमें पता होने चाहिए, कॉमनली लक्षण दोनों में एक ही जैसे हैं, क्योंकि ओवरऑल तो क्या हो रहा है कि हमारी बॉडी में ग्लूकोज लेवल ही बढ़ रहा है, तो वो उसको आपको पी से याद रखना है, ठीक है। पॉलीफेजिया, पॉलीयूरिया और पॉलीडिप्सिया। पॉलीफेजिया, भूख बहुत लगेगी पेशेंट को, पॉलीडिप्सिया प्यास बहुत लगती है, और पॉलीयूरिया यूरिनेशन के लिए बहुत बार जाना पड़ता है। ये जो लक्षण है आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो ये सिम्टम उसमें डेवलप होते हैं, अगर आपको सपोज आता है अप्लाइड फिजियोलॉजी का तो आप वहां पे ये लिख सकते हो कि हाइपो की वजह से, हाइपोस्क्रीशन ऑफ इंसुलिन की वजह से डायबिटीज मेलाइटिस डेवलप होता है। टाइप कौन कौन से हैं, उसमें क्या है, इसमें क्या होगा डेवलप, मतलब मेन वो इंसुलिन की रिलेटिव डेफिशिएंसी है या फिर एब्सोल्यूट डेफिशिएंसी है। सिम्टम दोनों के ऐसे, पॉलीफेजिया, पॉलीयूरिया और पॉलीडिप्सिया ऐसा होगा। इसके अलावा कोमा में जा सकता है पेशेंट, ये सब है, वो इतना डिटेल में करने की जरूरत नहीं है। थर्ड, फिर सेकंड है हमारी हाइपरस्क्रीशन की वजह से। हाइपरस्क्रीशन की वजह से, जैसे इंसुलिन का स्क्रीशन अगर ज्यादा हो तो उसको हम बोलते हैं हाइपर इंसुलिनिज्म, ठीक है। अब इंसुलिन ज्यादा है तो ग्लूकोज का कंजप्शन ज्यादा करवाएगा, तो ब्लड में ग्लूकोज कम हो जाता है, तो ऐसे पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया होता है, हाइपोग्लाइसीमिया। और इसके अलावा न्यूरोग्लूकोपेनिक सिंड्रोम, सॉरी सिम्टम्स आते हैं, मतलब ग्लूकोज जब अब और टिश्यू को ग्लूकोज ज्यादा कंजप्शन करवा रहा है तो क्या होगा पेशेंट को, कोमा, कन्वर्जेंस, हाइपोग्लाइसीमिया, ये सब हो जाता है उस पेशेंट को। तो ये है इसकी अप्लाइड फिजियोलॉजी के बारे में। तो पेनक्रियाज से रिलेटेड उसके स्क्रीशंस पे क्वेश्चन आ सकता है, कौन सी सेल से कौन सा हार्मोन स्क्रीट होता है और उनके एक्शन क्या है, ठीक है। और इसका अगर डिटेल में आपको वीडियो चाहिए कि सिम्टम्स क्या है, कैसे डेवलप हो रहे हैं, कितने टाइप का कैसा है, तो आप जो हमारी काय चिकित्सा की प्लेलिस्ट है वहां से भी डायबिटीज को देख सकते हैं। थैंक यू।